हाय हेलो नमस्कार एवरीबॉडी, होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग योर वेकेशन नाउ द नेक्स्ट स्टूडेंट्स विथ योर पेरेंट्स, राइट। आप कुछ लोग घूमने के लिए गए रहेंगे बाहर, कोई नगर में एंजॉय कर रहे होंगे एंड होपफुल थोड़ा पढ़ाई के लिए भी समय निकाल रहे होंगे, राइट, टू रिवाइज योर ब्रिज कोर्स कॉन्टेंट एंड टॉपिक्स। नाइस, सो आई एम हियर टूडे टू एक्सप्लेन यू रिगार्डिंग, बिकॉज अभी आपका रिजल्ट डिस्प्ले होने वाला है तो उस रिगार्डिंग कुछ ना कन्फ्यूजन हो सकता है, क्या है, कैसे मुझे स्कॉलरशिप मिला है, किस प्रकार का स्कॉलरशिप मिला है, एक्साइटेड, राइट। तो वी हैव दो निश्चय 2.0 में हमारी जो टीम है उन्होंने अनाउंस किया था समथिंग लाइक अबव 80, अबव 90, अबव 100 के ऊपर स्कॉलरशिप मिलेंगे, राइट। पर उसके अलावा भी जो मैंने है पेपर जो एनालिसिस सफर किया है वो हिसाब से हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग टाइप के स्कॉलरशिप भी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे एडिशनल स्कॉलरशिप व्हिच वी आर गिविंग, सब्जेक्ट वाइज स्कॉलरशिप, बिकॉज मैं समझ रहा हूँ कि नेगेटिव मार्किंग है तो जब नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है, जैसे निश्चय 1.0 नेगेटिव मार्किंग नहीं था तो फिर बहुत अच्छे स्कोर्स लाए हैं, अब नेगेटिव मार्किंग है तो किसी को ऐसा हुआ दे गॉट 10 इन सम सब्जेक्ट, प्लस 10 माइनस 10 है ना, प्लस 8 माइनस 8, राइट। सो नेगेटिव मार्क की वजह से स्कोर घट जाता है एंड सभी में, सभी जितने लोग यहाँ पे थे सबके सब ने ब्रिज कोर्स पूरा अटेंड नहीं किया है फिर भी आपने अच्छा परफॉर्म किया है, और जिन्होंने अटेंड किया भी है अंडरस्टैंड एवरीबडी इज नॉट इन द मूड ऑफ टू मच ऑफ स्टडी, बिकॉज ये कॉन्टेंट 11th का कॉन्टेंट है ब्रिज कोर्स का, डीपली स्टडी करना चाहिए तभी हो पाता था, पर मैं समझता हूँ क्योंकि दिस इज नॉट ए मूड टू स्टडी राइट नाउ। फिर भी आप में से बहुत लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है जिसके हिसाब से जे में कट ऑफ होता है तो वीसी, बिकॉज हमारा इंस्टीट्यूट आईआईटी जेई और नीट के लिए है तो टॉपर के हिसाब से हम कट ऑफ्स को तय करते हैं, तो वो हिसाब से हम जब देख रहे थे तो हमने बोला कुछ नए स्कॉलरशिप्स भी आपको हम दे सकते हैं, बिकॉज कुछ ऐसे लोग आप में से जिन्होंने, जैसे पहला एक स्कॉलरशिप है इन विच वी आर गिविंग यू नो नेगेटिव स्कॉलरशिप, तो नो नेगेटिव स्कॉलरशिप क्या है, अगर कोई स्टूडेंट ने कोई एक सब्जेक्ट में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया, नेगेटिव मार्क्स से बचा, राइट, तो बहुत लोग तुक्का मार देते हैं ऐसे टिक 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 करके, पर कुछ लोगों ने तुक्का नहीं मारा है, जो आता है वही टिक किया है, राइट, और एक भी नेगेटिव उनका हुआ नहीं है, तो अगर एक भी सब्जेक्ट में आपने नेगेटिव मार्क से बच गए किसी केमिस्ट्री किसी फिजिक्स कोई बायो कोई मैथ्स में तो उनको नो नेगेटिव स्कॉलरशिप भी हम दे रहे हैं, इज दैट ग्रेट, यस दैट्स ग्रेट, वी आर गिविंग देम राइट 10,000 rupees स्कॉलरशिप, प्लस यू विल बी गेटिंग अ फ्री साइकोमेट्रिक एनालिसिस ऑफ यूअर्स, जो टेस्ट होते हैं एक तो होता है DMIT का टेस्ट, उसके बाद होता है साइकोमेट्रिक एनालिसिस टेस्ट, ये सब टेस्ट मिला के अप्रॉक्सीमेटली 10-12,000 का खर्चा मिनिमम हो जाता है, पर हम एक पर्सन के लिए नहीं आपके लिए प्लस आपके पेरेंट के है ना पूरे फैमिली यू एंड योर फैमिली का ये एनालिसिस हम आप करवाने वाले हैं, दैट मीन्स अराउंड 30,000 to 40,000 rupees आपका फैमिली का, इट्स नॉट अबाउट द मनी, मोर देन दैट इस ये एनालिसिस से क्या होगा, हर एक आपका जो पूरा डिटेल्स है आपके जो ब्रेन में 10 lobes होते हैं, राइट, यू हैव डिफरेंट लोब्स इन द ब्रेन, 5 lobes लेफ्ट ब्रेन में, 5 lobes राइट ब्रेन में, हम जो डिफरेंट लोब्स होते हैं वो किस प्रकार उसमें अलग अलग न्यूरॉन की संख्या होती है परसेंटेज, और उसके हिसाब से व्यक्ति का जो इनेट क्वालिटीज जो भगवान ने दिया वो समझ में आता है ना, किसी का याद रखने की क्षमता ज़्यादा है, किसी लॉजिकल ज़्यादा है, बिकॉज यू नो देर आर 8 types ऑफ इंटेलिजेंस ऑल्सो, तो ये अलग अलग लोब इंटेलिजेंस के लिए भी काम करते हैं, तो कौन सा इंटेलिजेंस ज़्यादा है, कौन सा कम है, कौन सा लोब न्यूरॉन्स ज़्यादा है, किस में कम है, जब ये सब साइंटिफिकली हम समझ लेते हैं साइंटिफिक एनालिसिस के माध्यम से, तो उसके हिसाब से आपको किस प्रकार से पढ़ाई करना चाहिए हर एक इंडिविजुअल का एनालिसिस समझ में आता है, दैट्स वेरी कॉस्टली थिंग, तो पीपल डोंट डू टू मच ऑफ एनालिसिस, अलग अलग एनालिसिस करना पड़ता है, सिर्फ DMIT के लिए सफिशियंट DMIT करना पड़ता है, अलग अलग साइकोमेट्रिक एनालिसिस करने पड़ते हैं एंड उसके हिसाब से एक्सपर्ट काउंसलर से हमको डिटेलिंग करना पड़ता है क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है और उसमें कैसा इंप्रूवमेंट करना है, तो जो कर कुछ चीज़ कम पड़ रहा है किसी का ना लॉजिकल इंटेलिजेंस कम पड़ गया परंतु जे ही करना है उसको, तो हाउ टू इंक्रीज लॉजिकल इंटेलिजेंस, तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं, तो हम आपके लिए वो पूरा पैकेज लेके आ रहे हैं इनका स्कॉलरशिप के अंदर है, दैट्स ए वंडरफुल न्यू थिंग फॉर ऑल ऑफ यू अपार्ट फ्रॉम द स्कॉलरशिप द फीस, राइट, तो यू विल गेट अ स्कॉलरशिप ऑफ 10,000 rupees फॉर नो नेगेटिव
स्कॉलरशिप के लिए, प्लस ऑल दिस एनालिसिस नॉट फॉर वन पर्सन, यू एंड योर पेरेंट्स. वाई पेरेंट्स ऑल्सो इज रिक्वायर्ड इन साइकोमेट्रिक टेस्ट, बिकॉज उनका स्वभाव कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, क्योंकि एक परिवार में रहना है, पेरेंट का भी उतना ही रोल है. तो स्वभाव जब समझ में आता है, क्या दिक्कतें हैं इनबिल्ट, भगवान ने कौन सी क्वालिटीज़ दिए हैं, ब्रेन हमारा कैसा काम कर रहा है, तो एक सिंक्रनाइजेशन की ज़रूरत है फैमिली के अंदर, अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए. तो स्वभाव के अनुसार अगर डीलिंग करते हैं आपस में, तो एंकरेजमेंट मिलता है बच्चे को आगे बढ़ने के लिए. तो डिटेल में हम बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट दिस इन टुडे सेशन, जब आप शाम को आएंगे यहाँ पे, तो उसमें बात करेंगे कैसे बेनिफिशियल. तो ये पूरा चीज़ आपको मिलने वाला है, मतलब ऑलमोस्ट यू गेट ए स्कॉलरशिप ऑफ 50,000 रुपीज़ के बराबर हो गया है, 10,000 का आपको स्कॉलरशिप फीस में हो गया, और उससे ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ें आपको मिलने वाली है, जम करके लेने वाले हैं आपसे. दूसरा स्कॉलरशिप हमने दिया है सब्जेक्ट वाइज जो परफॉर्मर्स, जिन्होंने एक सब्जेक्ट में एटलीस्ट 20 या उसके अबव स्कोर किया है, 20 मार्क के ऊपर कट ऑफ, 20 मार्क का रकम जिसमें कट ऑफ क्रॉस किया है, 20 या उसके अबव स्कोर किया है, उन सबको हम सब्जेक्ट वाइज स्कॉलरशिप दे रहे हैं, राइट. तो सब्जेक्ट वाइज स्कॉलरशिप में आपको 15,000 का स्कॉलरशिप मिल रहा है, 15,000 रुपीज़ स्कॉलरशिप इन द फीस, प्लस एडिशनली ऑल दिस जो मैंने अभी बताया नॉन नेगेटिव वालों के लिए स्कॉलरशिप, DMIT साइकोमेट्रिक एनालिसिस फॉर यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स, राइट, यू विल गेट दिस. एंड थर्ड थिंग इज ओवरऑल परफॉर्मेंस, जिन्होंने ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट मिला के 50 या अबव 50 स्कोर किया है, 50 और अबव 50. तो हमने बोला था 80 अबव रहेगा तो आपको 25,000 रुपीज़ स्कॉलरशिप मिलेगा, पर हमने जिसको 50 अबव मिला है उनको 25,000 स्कॉलरशिप इस बार दिया है, प्लस ऑल दिस टेस्ट, DMIT एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट, सब कुछ पूरे फैमिली के लिए, अपार्ट फ्रॉम 25,000 रुपीज़ स्कॉलरशिप, राइट. वी आर गिविंग ऑल दिस थिंग्स, एंड फिर जो स्टेट टॉपर्स उनको मिलने वाले हैं ऑब्वियसली, राइट. अब इसमें एक अच्छी बात यह है, जनरली स्कॉलरशिप में क्या होता है, एनी वन होता है, पर हमने एनी वन नहीं कर रहे हैं. तो अगर कोई अभी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका सब्जेक्ट वाइज भी उनका स्कॉलरशिप के अंदर नाम है, मानो 100 ऐसे 15,000 उनको मिल रहा है, नो नेगेटिव के अंदर भी उनका नाम है, 10,000 वहाँ मिल रहा है, और सब्जेक्ट के अंदर ही मानो उसको दो सब्जेक्ट में 20 अबव है, तो एक सब्जेक्ट के लिए 15,000, दो सब्जेक्ट के लिए 30,000, तो दे आर गेटिंग मल्टीपल स्कॉलरशिप्स. ऐसे करके कुछ बच्चों को अबव 8,000 स्कॉलरशिप मिल रहा है, कुछ लोगों के अबव 70, अबव 90 स्कॉलरशिप भी आराम से बन रहा है, दे ऑल स्कॉलरशिप एडेड ईयर, राइट. दिस आर समथिंग नॉट प्रोमिस्ड, जो को प्रोमिस नहीं किया गया था, पर अभी हम आपको दे रहे हैं, और एक ही पर्पस है कि आपको इससे एंकरेजमेंट मिले, यू आर एंकरेज्ड बाय दिस एंड यू डू इवन मच बेटर व्हेन यू स्टार्ट योर जर्नी फॉर नीट एंड जेईई, राइट. सो वी विल मीट टुडे इवनिंग, राइट. हाँ, आप सबसे मिलना चाहेंगे, वी विल मीट टुडे इवनिंग 6 o'clock, राइट, 6 बजे शार्प, 6 बजे सभी आ जाइए, बिकॉज वी नीड टू बी इन डिसिप्लिन. दोस्त प्रिपेयरिंग फॉर IIT चाहिए नीट लाइक एग्जामिनेशंस, उनके लिए डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फंडा है. तो आज शाम को 6 बजे हम मिलेंगे. और ऑफ कोर्स जिन बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं मिला है, तो डोंट वरी, मैंने पहले भी आपसे बोला है, इट्स नॉट द फाइनल एग्जामिनेशन, दिस जस्ट एन सर्वे के लिए एग्ज़ाम है, मानो खुद के लिए एनालिसिस के लिए हमने एग्ज़ाम दिया, और ये हर साल का एनालिसिस है. ऐसा जरूरी नहीं कि स्कॉलरशिप वाले जो स्टार्टिंग आते हैं वही अच्छे बच्चे हैं, वही उनका ही रिजल्ट आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उससे कोई संबंध नहीं है. तो जो बच्चे रिजल्ट आए हैं बोर्ड के ऊपर आप देखते हैं हमारे IIT वाले, वो कोई स्कॉलरशिप वाले बच्चे नहीं है, उसमें एक स्कॉलरशिप वाला भी रहेगा, बहुत से बिना स्कॉलरशिप वाले भी रहेंगे. और ऐसा भी हुआ कि जिन्होंने 100% स्कॉलरशिप लिया है उनका रिजल्ट आया भी नहीं है. तो इट इज़ नॉट नेसेसरी थिंग कि इनिशियली बहुत सारे पेरेंट्स पैनिक हो जाते हैं, उनको लगता है अभी स्कोर नहीं आया यार बाद में कैसे आएगा, तो कोई संबंध ही नहीं, आप स्टार्ट ही नहीं किया अभी तक तैयारी आपने, है ना, बच्चों को हमें प्लेटफॉर्म दिया ही नहीं, तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स. एंड डोंट रन बिहाइंड स्कॉलरशिप्स एज ए बेसिक नगर मेंटेलिटी कि जहाँ अधिक स्कॉलरशिप मिलेगा वहाँ पर एडमिशन लेंगे. तो वी आर नॉट हियर रनिंग बिहाइंड सम, यू नो, ये 50,000 स्कॉलरशिप दे रहा है, ये 20,000 दे रहा है तो वहाँ जाते हैं, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. What's more important is where you can get good scores in JEE and where you can perform more, where you get an atmosphere. ऐसी भी एक बात समझ में आ रही, बोला आपको एग्ज़ाम तो आप ही को देना है, रिजल्ट भी आप ही देंगे, पर आपको देखना है किस माहौल में ये चीज़ पॉसिबल है, जहाँ पे पढ़ाई का माहौल हो, जहाँ पे राइट गाइडेंस हो, राइट, वेर यू हैव द राइट पीपल हु कैन गाइड यू टिल द एंड, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट.
यू शुड सी दैट. हाँ, इफ इट इज समवेयर यूर गेटिंग गुड स्कॉलरशिप ऑल्सो एंड यू सी द राइट पीपल आउट देयर, है ना, हु आर लॉन्ग टर्म, दे विल स्टे बैक, दे हैव प्रूवन देमसेल्व्स फ्रॉम लॉन्ग सो मेनी ईयर्स. उन्होंने प्रूव किया नगर के अंदर रह चुके हैं, इतने साल से लगातार रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्लस उनके पास ऐसे टैलेंट लोग हैं जो गाइडेंस दे सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है. देन आई डोंट रिकमेंड कि आप यहीं ज्वाइन करो, वहीं ज्वाइन करो, डजेंट मैटर सो मच. वेर एवर यू कैन गेट गुड रिजल्ट, आई वॉन्ट यू टू ज्वाइन देयर, राइट. सो नाउ एनी हाउ मोस्ट ऑफ यू आर विथ अस इन सांदीपनी, सो बाकी जो है तो आप विल मीट टुडे इवनिंग ऑल दो स्कॉलरशिप पीपल एंड रेस्ट ऑफ यू ऑल्सो विल मीट ऑन 4 जून. विल बी हैविंग ए पेरेंट्स मीटिंग दैट डे, प्लस देवदत्त नागे द हीरो हु इज एक्टिंग एज ए हनुमान जी इन आदि पुरुष मूवी, राइट, अजय मल्लार सीरियल, मराठी सीरियल के अंदर भी वो काम कर चुके हैं, दे आर सेलिब्रिटी, प्लस उनका बैकग्राउंड भी एजुकेशन का है, उनको पुराने पर्पज़ ये भी है, दे हैव एजुकेशनल बैकग्राउंड. लास्ट टाइम आई मेट हैम तो उनके पिताजी प्रिंसिपल है, उनकी वाइफ भी टीचर है, तो पूरा उस सेक्टर से है, तो ही कैन मोटिवेट अस विथ फ्यू वर्ड्स, प्लस ही है सेलिब्रिटी, लेट्स एन्जॉय, यू नो, हैव फन, है ना, हैविंग ए सेलिब्रिटी विथ अस एंड हैव फोटो, तो जस्ट टू एंकरेज ऑल ऑफ यू, नथिंग एल्स. एट एंकरेजमेंट साथ मोटिवेशन भी मिलना चाहिए, इसलिए ऐसे लोगों को ही मैं बुलाऊंगा जो मीनिंगफुल है, जो हमें आगे बढ़ाने में मदद कर सके, राइट. तो ऑल ऑफ अस विल मीट ऑन 4 जून एंड दोस ओवर स्कॉलरशिप दे कैन कम टूडे ऑल्सो. आज भी हम मिलेंगे एक्सक्लूसिवली बिकॉज फर्स्ट आई वॉन्ट टू मीट ऑल ऑफ यू एंड कंग्रेचुलेट यू, राइट, एंड टॉक ए बिट अबाउट दिस डिफरेंट एनालिसिस एंड ऑल दिस थिंग्स व्हाट यू गोइंग टू परफॉर्म फॉर ऑल ऑफ यू. जो स्कॉलरशिप आपको मिला है उसको अवेल करने के लिए अभी क्या क्या चीज़ें प्रोसेस करना चाहिए वो हम डिस्कस आज करेंगे, ठीक है. आई होप थिंग्स आर क्लियर. थैंक यू वेरी मच.